वेलकम इन यूट्यूब चैनल सिमला कम्युनिकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एक नई वीडियो सुपर आईआर कैम 2S वीडियो बहुत सारी अवेलेबल होंगी, लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लें तो शायद ही कोई कैमरा इससे रिलेटेड ऐसा होगा जिसे आप इंस्टॉल ना कर पाए। अनबॉक्सिंग बिल्कुल नहीं करता हूं, अनबॉक्सिंग करने में जो टाइम खराब करना है उससे बेहतर मैं बता देता हूं। और वैसे भी आज तक कभी मेरे पैकेट में कोई सामान कम नहीं निकला होगा। अनबॉक्सिंग में ये चार चीज़ें आती हैं। ये इस तरह लगा हुआ होता है, एक स्टैंड आपका यहाँ रखा हुआ मिलेगा आपको, और ये दो नट इसके इस ट्रॉली बैग के अंदर, इसमें साथ में इसका सॉफ्टवेयर एक एल की, और एक ये स्टैंड और एक ये नट कसने के लिए यहाँ पे। ये इसका पीछे पावर का ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है। यहाँ पे मैं USB केबल लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमको सॉफ्टवेयर का क्या करना है। ये पीकी जो है, ये जो USB पीकी जिसे आप बोल, एक बार जब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इस पीकी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और ये इंडिविजुअली स्टैंड अलोन काम करेगा। स्टैंड अलोन मतलब ये पीकी की आपको बार बार ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद पीकी आप संभाल कर रखें। ये पीकी फेंकनी नहीं है, क्योंकि अगर आपको दोबारा इंस्टॉल करना है तो ड्राइवर्स, एक्जी, सेटअप सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। DLL फाइल, क्योंकि मदरबोर्ड में जो है विंडोज़ अलग अलग होती हैं, 32 भी होती है, 64 भी होती है, और एंटेल के अंदर जो CPU मतलब प्रोसेसर्स आते हैं उनका अलग होता है। तो इसलिए ये पीकी आपको बिल्कुल संभाल कर, ये सॉफ्टवेयर की है आपकी, लेकिन ये स्टैंड अलोन काम करेगा। उसके बाद जब आपको उसको डिस्कनेक्ट करना है, ये आप सबसे पहले जो है कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ कंप्यूटर के USB पोर्ट पर इसको कनेक्ट करेंगे, ये मैं हटा देता हूँ बॉक्स में डब्बा आपका, यहाँ से इसमें कंट्रोल सर्टिफिकेट और होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये आपको सॉफ्टवेयर में जो है, जो आपकी ड्राइव है वहाँ पर आपको दिखाई देगा पीकी पड़ा हुआ। ये आपकी USB ड्राइव आ गई। USB ड्राइव के अंदर आप सीधा जाएंगे, ये वाला फोल्डर आप खोलेंगे। इस फोल्डर को खोलने के बाद जहाँ लिखा है 5830 USB कैमरा, इससे आप सबसे पहले ड्राइवर जो है, ये जो DPIN64 या DPIN32 जो आपकी विंडो की कंपैटिबिलिटी है, वो सॉफ्टवेयर जो है आप राइट क्लिक करके इस तरह इंस्टॉल कर लेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, यहाँ पे यस करेंगे, सॉफ्टवेयर आपका नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है आप ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आप वापस फोल्डर के अंदर आएंगे। ये आपकी DLL फाइल हो गई आपकी, ये यहाँ दिखाओ पर्टिकुलरली कैमरे को, ठीक है जी। ये ड्राइवर फाइल हो गई आपकी और ये इंस्टॉल ड्राइवर आप उसके बाद करेंगे। ये DLL फाइल है वहां चाहिए जहां अलग अलग टाइप के प्रोसेसर हैं, जैसे AMD प्रोसेसर है तो उसके लिए कुछ अलग चाहिए होगा। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका नॉर्मली जो है ये सॉफ्टवेयर आपका पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे तो ये आपका खुल जाएगा। अभी आपका ये आ गया जी, एग्जिट यस करेंगे आप तो ये आपका इंस्टॉल सेटअप के लिए। सेलेक्ट द लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश, ओके करके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और डेस्कटॉप पे जो है आपका इसका वो बन जाएगा आपका आइकॉन। ये आपका सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो गया। सेटअप इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिवाइस मैनेजर खोलना है, यहाँ पे ड्राइवर 1 को इंस्टॉल कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ड्राइवर 2 को इंस्टॉल कर देना है, सिंपल एज दैट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसको फिनिश कर दिया हमने। ये आइकॉन बना हुआ आ गया डेस्कटॉप के ऊपर, ये खुल भी गया। अब अगर आपके ड्राइवर इंस्टॉल है प्रॉपरली, तो ये मैंने USB केबल कनेक्ट की, यहाँ पे लाइट आ गई आपकी। लाइट आने के बाद अभी तक आपने ID नहीं उठाई, यहाँ पे डिवाइस ID शो करना चाहिए। मैं इसको वापस बंद कर रहा हूँ और बंद करने के बाद दोबारा एक बार खोलता हूँ रिफ्रेश करके। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया मैंने, यस किया, अभी भी इसने नहीं उठाई ID। इसका मतलब हम इसको एक बार ऑन ऑफ करते हैं। ये एंटॉक्स किया, इसको क्लोज किया, वापस रिफ्रेश किया,
एक बार डिवाइस मैनेजर में चेक करते हैं किसने पोर्ट बनाया या नहीं बनाया। सबसे जो शो मोर ऑप्शन, ये आ गया आपका डिवाइस मैनेजर। ये आपका डिवाइस मैनेजर मैंने खोल दिया। यूएसबी बस सीरियल देखिए, इसके अंदर जो है आपको ये चेक करना है कि इसने पोर्ट उठाया या नहीं उठाया यूएसबी कैमरे। एफ बस यूएसबी ड्राइव पे ये क्या उठा रहा है, कैमरे की ऑप्शन दिखा रहा है, जिसे उतारते हैं एक बार। ये देखिए डिवाइस मैनेजर में एक चेंजेस आ गई। अब यहाँ लगाया तो हमें ये देखना है कि आता क्या है इसके ऊपर। ये आ गया आपका यूएसबी कैमरा। यूएसबी कैमरा आने के बाद जो है दोबारा हम वहां पे जाते हैं, क्लोज कर देते हैं सबको, वापस डेस्कटॉप पे आए, इसको किया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। ये आपका कनेक्ट हो गया, प्रेस करते इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर दी यहाँ पे। अब जो है जैसे ही मैंने कोई मदरबोर्ड इसके नीचे रखा, ये मदरबोर्ड को उसको उठाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास इस टाइम में मैंने एक टेस्टिंग वीडियो डाली हुई है, और जिस बंदे के साथ मैंने मिस्टर विक्की के साथ मैंने वीडियो टेस्ट की है, उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो मेरे भाई जो है एमएमसी का भी काम बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं भैया जी जो है हमारे। ये हमारा कंपेरिजन है जो हम निकाल सकते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे जाना है। यहाँ से हम उसका रेजोल्यूशन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और जब आप हमारी टेस्टिंग वीडियो देखोगे ना, तो आपको पूरा ऑपरेशन समझ आ जाएगा। इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दी है। थर्मल पे आप आएंगे तो ये वाली इमेज आएगी, ये आपकी थर्मल इमेज है। इसको आप और ऊपर नीचे बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। ये दूसरी चीज़ें जो हैं कुछ इसमें और फीचर्स हैं। कैप्चर अगर आपको इमेज करनी है, आप खाली फ़ोटो लेना चाहते हैं, जैसे चेक के ऊपर ये इमेज है इसको कैप्चर करनी है तो ये फ़ोटो आ गई। स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आप वीडियो भी बनाना चाहते हैं साथ साथ कि किस फॉल्ट में प्रॉब्लम थी या क्या था, अभी क्या ये सेंसिंग कर रहा है, देखिए बहुत सारी चीज़ें सेंसिंग करेगा। इसको उल्टा रख दोगे आप तो ये स्टील की प्लेट को, जहाँ जहाँ ये स्टील वाली प्लेट्स हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसको ये वैसे ही हाईलाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप टेम्परेचर ऑफ पॉइंट देख सकते हैं क्या आएगा। यहाँ पे जो है एरिया का रिएक्शन है, यहाँ पे कर्व अगर आप इसको प्रेस कर देते हैं कंपेरिजन में, तो ये आपको अलग दिखाएगा। हाई टेम्परेचर अलर्ट भी आपको देगा, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग है। बाकी इमेजिंग क्लियर के इसमें कोई इशू नहीं है, इमेज इसके अंदर बिल्कुल क्लियर आती है। और जब आप इसके अंदर लगाएंगे तो इमीडिएटली उस पोर्शन को जो है येलो कर देगा, जो उसका ब्लैक ब्लैक उसको जो है नज़र आपको आना शुरू हो जाएगा। फुल स्क्रीन ये मैंने कर दिया, इसमें इसकी अलग अलग इमेजेस हैं। ये इसकी ब्लैक एंड वाइट इमेज है, अगर आप ब्लैक एंड वाइट इमेज देखना चाहते हैं तो ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है। आप ब्लैक एंड वाइट इमेज भी देख सकते हैं, ये इसकी ब्लैक एंड वाइट इमेज है नॉर्मली, जो नॉर्मल इमेज है इसकी एज एक्चुअल। बाकी आप मैनुअल के थ्रू जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। तो इंस्टॉलेशन की दिक्कत आपकी ख़त्म हो गई, क्लैरिटी की कोई इशू नहीं है। चार फीचर्स इसके अंदर हैं, यहाँ से आप इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से आप जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज इसकी विंडो को। और ये जो है आपका जहाँ आपको सेंसिंग करानी है इसको, कितने कंपोनेंट को कितना फास्ट विद इन 2 सेकंड्स ये फाइंड आउट कर देता है अगर टेम्परेचर लगा हुआ है, जो कि पूरा मेरी टेस्टिंग वीडियो के अंदर दिया गया है। टेस्टिंग वीडियो मैंने मिस्टर विक्की के साथ बनाई है, मैं दोबारा बता दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। इसी सुपर कैम वीडियो के साथ तुरंत हमने टेस्टिंग वीडियो इसलिए डाल रहे हैं हम लोग कि अब हर प्रोडक्ट की, क्योंकि टेस्टिंग वीडियो करने के लिए हमें आईफोन की ज़रूरत होती है, शॉटिंग वाले फ़ोन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने हर एक कैमरे की वीडियो जो है टेस्टिंग वीडियो अलग बनाई है, अनबॉक्सिंग वीडियो अलग, मतलब सॉरी इंस्टॉलेशन वीडियो अलग बनाई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स।